Form. अब इस बायोडाइवर्सिटी का एक लेवल है मतलब कि छोटे लेवल से अगर हम बड़े एक ह्यूज डिफरेंस वाले लेवल पे जाएं, तो हम इस लेवल को कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं तो पहला एक लेवल होता है जिसे हम बोलते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी यानी ये जो डाइवर्सिटी होती है दैट इज वेरिएशन ऑफ अ जीन्स विद इन अ विदिन असीज के अंदर ही जो एक पॉपुलेशन पाया जाता है उसमें जो स्पीसीस पाया जाता है तो स्पीसीस के अंदर ही जो डिफरेंट टाइप ऑफ जीन्स देखे जाते हैं दैट इज नोन एज अ जेनेटिक वेरिएशन यानी वेरिएशन ऑन जीन लेवल बट इट विल बी विद इन द स्पीसी ओके सेकेंड होगा स्पीसीस डाइवर्सिटी दैट इज वेरिएशन ऑफ स्पीसीस विद इन अ रीजन मतलब क्या हो गया

वाटर हो गया दैट इज एक्वाटिक इकोसिस्टम हो गया इन सब को ये जो अलग-अलग टाइप -अलग के इकोसिस्टम है यही वेरिएशन कहलाते हैं एंड दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज अ इकोसिस्टम डाइवर्सिटी ओके नेक्स्ट आता है कि अगर कोई आपसे पूछे कि आप बायोडायवर्सिटी को मेजर कैसे कर सकते हो व्हाट इज अ वे टू मेजर बायोडायवर्सिटी दिस हम जरा सा एग्जांपल के फॉर्म में समझते हैं दैट इज बायोडावर्सिटी को मेजर करने का दो तरीका होता है एक को हम कहते हैं स्पीसीस रिचनेस हम दूसरे को बोलते हैं स्पीसीस इवननेस रिचनेस का मतलब क्या होता है कि कितने डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीस उस एरिया में रह रहे हैं मेक श्योर डिफरेंट टाइप ऑफ बोला है नंबर ऑफ मतलब कि नंबर ऑफ मेंबर इन अ सिंगल स्पीसीस नहीं बोला है जैसे कि अगर यहाँ पे अगर आप देखते हैं फॉरेस्ट में तो फॉरेस्ट में आप देख सकते हैं फॉरेस्ट में सॉरी ए बी सी डी लेकिन डी स्पीसी प्रेजेंट नहीं है लेकिन फॉरेस्ट टू की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पे ए बी सी डी तीनों ही स्पीसी प्रेजेंट चारों ही स्पीसीस प्रेजेंट हैं तो स्पीसीस रिचनेस के मामले में हम ये कहेंगे कि फॉरेस्ट टू जो है वो ज्यादा डाइवर्स है कब हम कह सकते हैं जब हम सिर्फ डाइवर्सिटी को स्पीसीस रिचनेस के बेसिस पे मेजर कर रहे हो अगर हम स्पीसीस रिचनेस को एज अ पैरामीटर इस्तेमाल करते हैं तो फॉरेस्ट वन एंड फॉरेस्ट टू का कंपैरिजन के बेसिस पे फॉरेस्ट टू इसकी रिचनेस ज़्यादा होगी नेक्स्ट आता है स्पीसीस इवननेस यहाँ इवननेस का मतलब क्या होता है दैट इज यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करना यानी ज्यादा इवन शो होना अब फॉरेस्ट वन फॉरेस्ट टू की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इवननेस के मामले में आप देख सकते हैं फॉरेस्ट वन में इवननेस ज्यादा है जैसे कि 200, 250, 230 ये कुछ आसपास के नंबर हैं लेकिन अगर फॉरेस्ट टू की हम बात करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है जैसे कि मान लीजिए एक और हम यहाँ पे ले लेते हैं ये तब हम ले रहे हैं जब हम सिर्फ और सिर्फ कंपेयर कर रहे हैं इवननेस को ठीक है मान लीजिए एक और हमने यहाँ पे ले लिया इसका जो है इसका भी टू हंड्रेड है अब वन एंड टू दोनों फॉरेस्ट को अगर आप कंपेयर करते हो तो इवननेस के बेसिस पे आप किस इको किस फॉरेस्ट को ज्यादा बायो बायोडाइवर्सिटी रिच कह सकते हो तो इट विल बी दी फॉरेस्ट वन क्योंकि यहाँ पे इवननेस ज्यादा है

लाइक प्रॉपर बेसिस पे इसको इमेजिन कर सको तो अगर numbers, मतलब नंबर एक जैसे होते हैं या थोड़े बहुत भी फ्लक्चुएट करते हैं लेकिन अगर ये थोड़ा फ्लक्चुएट करता है लेकिन ये फ्लक्चुएट इस फॉरेस्ट के में कम करता है देन वी कैन से कि यस yes, ये ज्यादा जो है दैट इज जो कम फ्लक्चुएट करेगा वो डाइवर्स ज्यादा है ठीक है तो इस ढंग से जो है हमने स्पीसीस रिचनेस एंड इवननेस का कंसेप्ट देख लिया तो सेम नंबर ऑफ स्पीसी लगभग हम कहते हैं उसको इवननेस नेक्स्ट आता है कंपोनेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं तो एक को हम कहते हैं अल्फा डाइवर्सिटी अल्फा डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है डाइवर्सिटी विद इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट हैबिटेट एक habitat के अंदर की डाइवर्सिटी अगर आपको मेजर करना हो तो उसे हम कहते हैं अल्फा डाइवर्सिटी जैसे कि यहाँ पे बहुत सारा हैबिटेट है ये है हैबिटेट वन टू थ्री फोर अगर आपको हैबिटेट नंबर टू का अल्फा डाइवर्सिटी देखना है और आप सिर्फ इसी एरिया की डायवर्सिटी को मेजर कर रहे हो तो वो कहलाएगा आई मीन टू से अगर आपको डायवर्सिटी पता करना है uh, हैबिटेट नंबर टू का और आप इसकी जब डाइवर्सिटी मेजर करोगे ना तो ये अल्फा डाइवर्सिटी कहलाएगा क्योंकि ये सिंगल हैबिटेट के अंदर आप इसे मेजर कर रहे हो दैट विल बी दी अल्फा डाइवर्सिटी सेकेंड होता है दैट इज द बीटा डाइवर्सिटी बीटा डाइवर्सिटी होता है बिटवीन दी हैबिटेट यानी दो हैबिटेट के बीच में जैसे कि ये हो गया ठीक है ये रहा हैबिटेट नंबर वन ये रहा हैबिटेट नंबर टू अब इनके बीच की डाइवर्सिटी आप मेजर करोगे तो आप कुछ ऐसे मेजर करोगे यू वांट टू मेजर द डाइवर्सिटी बिटवीन वन एंड टू तो ये हो गया बीटा डाइवर्सिटी बी फोर बीटा बी फोर बिटवीन दो हैबिटेट के बीच की डाइवर्सिटी आप देख रहे हो लास्ट होता है दैट इज गामा डायवर्सिटी यानी ओवरऑल डाइवर्सिटी यानी जितना कुछ मतलब गामा डाइवर्सिटी को हम रीजनल डाइवर्सिटी कहते हैं जैसे कि बीटा डाइवर्सिटी को हम बिटवीन द हैबिटेट कहते हैं लेकिन हम कहते हैं विद इन द टू इकोसिस्टम ये भी कह सकते हैं कि विद इन द टू इकोसिस्टम गामा डाइवर्सिटी के लिए हम कह सकते हैं ओवरऑल डाइवर्सिटी या फिर रीजनल डाइवर्सिटी यानी जितनी चीजें वहां पे है सभी का एक साथ हम डाइवर्सिटी मेजर कर सकते हैं तो, तो गामा डाइवर्सिटी के लिए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है दैट इज दिस इज अ गामा डाइवर्सिटी ओके या फिर आप यहाँ पे चाहो तो बना सकते हो पूरा का पूरा ये जितने भी हैबिटेट है सबकी डाइवर्सिटी अगर हमें मेजर करना है तो दैट विल बी नोन एज अ गामा डाइवर्सिटी ओके नेक्स्ट आता है कि बायोडाइवर्सिटी का इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो सकता है यूज कहाँ कहाँ होता है तो इकोसिस्टम के सर्विसेज प्रोवाइड करने में होता है प्रिवेंशन एंड अवॉइडेंस ऑफ नेचुरल डिजास्टर अगर बायोडाइवर्सिटी ठीक ठाक रहती है बैलेंस बेसिस पे रहती है तो नेचुरल डिजास्टर को भी अवॉइड कर सकते हैं अवॉइड किया जा सकता है एंड प्रिवेंशन हो सकता है नेक्स्ट बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया हमें फूड प्रोवाइड करता है ड्रग एंड मेडिसिनल एडवांटेज देता है कल्चरल बेनिफिट यानी वो टूरिस्ट को भी अट्रैक्ट करने के काम में आता है नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं थ्रेट की कि बायोडाइवर्सिटी को क्या क्या थ्रेट है तो हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन आजकल के टाइम में जैसे कि एक अच्छे खासे एरिया से मतलब कि पूरे फॉरेस्ट को हटा के वहाँ पे मेनली घर बना दिए जा रहे हैं ठीक है थीके? वहाँ पे बिल्डिंग्स बना दी जा रही है होटल फैक्ट्रीज ये सब बना दिया जा रहा है तो हैबिटेट का लॉस भी हो रहा है फ्रेगमेंटेशन भी हो रहा है और वहाँ पे जो रहने वाले ऑर्गेनिज्म थे चाहे वो प्लांट्स हो या नॉर्मल ऑर्गेनिज्म हो सब का क्या हो जा रहा है दैट इज उनका हैबिटेट लॉस हो जा रहा है और वेरी ऑब्वियस ऐसा करके हम जो ये बायोडावर्सिटी है उसे भी डिक्रीज कर रहे हैं इन्वासिव स्पीस इन्वासिव स्पीस बायोडावर्सिटी को डिक्रीज करने का काम करती हैं ये हार्मफुल स्पीसीस होती हैं जिस एरिया में ये एंटर करती हैं उस एरिया के ऑर्गेनिज्म को हार्म पहुंचाती हैं नेक्स्ट ओवर एक्सप्लोटेशन यानी ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ का इस्तेमाल करना चाहे वो लैंड हो चाहे वो फॉरेस्ट हो चाहे वो ऑर्गेनिज्म हो चाहे वो एनिमल हो वो कहलाता है ओवर एक्सप्लोइटेशन नेक्स्ट पॉल्यूशन अब पॉल्यूशन को तो आपको बताने की जरूरत नहीं है कि पॉल्यूशन कैसे बायोडाइवर्सिटी को अफेक्ट कर रहा है तो इस ढंग से ये कुछ यूज हो गए एंड थ्रेट हो गए अगर कंजर्वेशन की बात करें तो कंजर्वेशन दो टाइप से किए जा सकते हैं इन सितू एंड एक्स एक्सित इन सितू में मतलब क्या होता है कि हम ऑर्गेनिज्म की उनके खुद के हैबिटेट में उनको प्रोटेक्ट करते हैं जैसे कि बायोस्फीयर रिजर्व हो गया नेशनल पार्क हो गया वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई नेक्स्ट आता है एक सीथु. एक सीथु में क्या होता है हम उनको उनके घर से निकाल के यानी उनके हैबिटेट से निकाल के एक सही आप कह सकते हो जगह पे हम रखते हैं प्रोटेक्टिव जगह पे रख देते हैं हम ताकि वो वहां uh, प्रोटेक्टिव बेसिस पे रहें उनको कोई हार्म ना हो जैसे कि हो गया जुलॉजिकल गार्डन आप देखते हो बोटानिकल गार्डन सीड बैंक ये सब एग्जाम्पल हो गए बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के ओके फाइन वेट अ मिनट आई थिंक आई एम हैविंग वन ऑफ दी ओके ये कुछ लिस्ट है दैट इज नेशनल पार्क का कि इंडिया में नेशनल पार्क कहाँ कहाँ पाए जाते हैं नेशनल पार्क के यहाँ पे नाम मेंशन है एंड यहाँ पे प्लेसेस मेंशन है आप इसे याद कर सकते हैं ऑल दो इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है दिस इज जस्ट अ मेमोरी बेस्ड फैक्ट कि कौन से कौन से पार्क कहाँ पे पाए जैसे कॉर्बेट कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है उत्तराखंड में है काजीरंगा आसाम में है गिर नेशनल पार्क गुजरात में है कान्हा नेशनल पार्क एम में है इस टाइप से आप इन सबको याद कर सकते हो इस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ओके okay? ओके okay. अब आते हैं हम फूड चेन एंड फूड वेब पे व्हाट इज फूड चेन और फूड वेब फूड चेन क्या होता है जब भी फूड चेन एक लीनियर ट्रॉपिक लेवल का रिप्रेजेंटेशन होता है और यह बता रहा होता है कि कौन किसको खाता है ठीक है? जबकि फूड वेब की बात करें तो ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है जिसमें कि एक से ज्यादा फूड चेन इन्वॉल्व होकर फूड वेब बनाते हैं फूड चेन की बात करें तो इट इज कंसिस्टेंट इट इज कंसिस्ट ऑफ वन स्टेट चेन ये एक स्ट्रेट चेन का बना होता है जबकि फूड वेब जो है इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स होते हैं मल्टीपल फूड चेन से इंटरकनेक्टेड रहते हैं फूड चेन में थर्ड पॉइंट है द द फर्स्ट एंड थर्ड इफ इफ वन वन ऑर्गेनिज्म ग्रुप ऑफ एन होल फूड चेन विल बिकम अनस्टेबल क्योंकि सीधी सी बात है अगर सिंगल एक ट्रॉपिक लेवल है और आप उसमें से किसी एक ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट कर दे तो सारा का सारा फूड चेन अफेक्ट होता है लेकिन फूड वेब में ऐसा ज्यादा नहीं देखा जाता है फूड वेब डज नॉट बिकम अनस्टेबल ऑफ वन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म सबके पास अल्टरनेटिव सोर्स रहता है फूड चेन में एक का एक ऑर्गेनिज्म का एक ही सोर्स रहता है खाने का लेकिन फूड चेन में एक ऑर्गेनिज्म का मल्टीपल सोर्स रहता है तो ये ना सही तो वो ही सही बट दे नॉट बी गेटिंग एफेक्टेड फ्रॉम रिमूवल ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म फूड चेन कंसिस्ट ऑफ ओनली फोर टू फाइव डिफरेंट स्पीज फूड चेन ज्यादा से ज्यादा चार से पांच ट्रॉपिक लेवल का ही होता है ज्यादा नहीं होता है लॉन्ग क्योंकि इसके पीछे दो रीजन है जितना ज्यादा लॉन्ग होगा सबसे ऊपर वाले को सबसे कम एनर्जी मिलेगी साथ ही साथ उसको बायोमैग्निफिकेशन को भी फेस करना पड़ेगा इसलिए फूड चेन ज्यादा लंबे नहीं होते हैं जबकि फूड वेब की बात करें तो उसमें न्यूमरस ट्रॉपिक लेवल देखे जा सकते हैं वो भी डिफरेंट स्पीसीज पॉपुलेशन के फिफ्थ पॉइंट

All living things need food to give them the energy to grow and move. A food chain show how each living things get its food. It show who is eaten by whom. The arrow represent is eaten by. jaise ki agar baat kare A B ko khata hai B C ko khata hai C D ko khata hai ये हो गया food chain का example. ठीक है? जबकि food web जैसे कि यहाँ पे example दे रखा है कि hawk eats snake, which is eaten, which has eaten a frog. एंड विच हैज इटन अ ग्रास ऊपर एंड विच हैजन अ ग्रास इस तरीके से जो है आप एग्जाम्पल ले सकते हो आई थिंक यहाँ पे होगा भी ओके वॉट वी कैन डू हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो हॉक है वो दट इज स्नेक को खाता है स्नेक किसे खाता है फ्रॉग को एंड फ्रॉग किसे खाता है ग्रास ऊपर को एंड ग्रास ऊपर किसे खाता है ग्रास को इसे हम कहते हैं फूड चेन जबकि फूड वेब की बात नेटवर्क ऑफ इंटर कनेक्टेड फूड चेनिया एक टाइप का आप कह सकते हो सबसे अपर ट्रॉपिक लेवल में देखने को मिल रहा है यहाँ पे फिलहाल के लिए इस एग्जाम्पल में तो हॉक किससे कहा सकता है इसे वो माउस को कहा सकता है वो स्क्वेर को खा सकता है वो फ्रॉक को खा सकता है दिस इज वॉट कॉल फ़ूड वेब इतना सिंपल नहीं होता है और भी कॉम्प्लेक्स होता है सिमिलरली स्नेक की बात करें अगर स्नेक यहाँ पे बात करते हैं तो स्नेक जो है वो बीटल्स को खा सकता है ठीक है वो कैटरपीलर को खा सकता है वो बाकी एनिमल्स को खा सकता है तो आप खुद सोचिए अगर मैं हॉक के फूड वेब से फ्रॉक को हटा दूं तो क्या उस पर इफेक्ट पड़ेगा नहीं इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि उसके पास और भी अल्टरनेटिव ऑप्शन ऑप्शन हैं लाइक माउस एंड स्क्वेल्स जबकि स्नेक पे भी वही हाल है अगर मैं एक एनिमल को हटा दूं और बीटल्स और कैटेबिलर्स हैं तो वो उसको फीड कर लेगा तो दिस इज वॉट अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन द फूड वेब एंड अ फूड चेन जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखते हो तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ फूड चेन जिसमें आपको दिख रहा है कि हाँ ऑस्प्रे जो है वो किस किस को फीड कर सकता है कहाँ कहाँ पे फीड कर सकता है मतलब एक ऑर्गेनिज्म का एक फीडिंग सोर्स नहीं दिख रहा है आपको बहुत सारे मल्टीपल फीडिंग सोर्स दिख रहे हैं ठीक है सिमिलरली फूड चेन आप देख सकते हो दिस इज यूनी डायरेक्शनल बेसिस पे रन कर रहा है हाँ ये जो है इसे खाएगा ये रहा हॉक ये रहा स्नेक ये रहा फ्रॉग फ्रॉग फिर इस पे खाएगा फिर इस पे फीड करेगा फिर ये इस पे फीड करेगा सिमिलरली फिशेस के मामले में लार्ज फिश स्मॉल फिश पे करेगी ये फिर उससे स्मॉल पे ये फिर किसी और ऑर्गेनिज्म पे वाटर ऑर्गेनिज्म पे ये फिर जू प्लैंकटन पे ये फिर फाइटो प्लांटोन पे तो ये सब एग्जांपल हो गए फूड चेन का जबकि फूड वेब क्या हो गया एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो गया ठीक है जिसमें मल्टीपल फूड चेन कनेक्टेड रहते हैं नॉलेज का दामन छूना हुआ आसान फिर चाहे वो लेक्चर सिर्फ या पीएचडी का अरमान हमारे पास ऐसी आपके हर एक मुश्किल का समाधान हम पूरा करवाएंगे आपका हर वो अरमान वेदमी लेकर आया है डिटेल कोर्स फॉर एग्जामिनेशन मिलेगा यहाँ आपको सब कुछ न्यू पैटर्न के लेक्चर्स डाउनिंग वन तो वन सेशन पीडीएफ नोट्स और भी बहुत कुछ वेदमी क्योंकि हर सपना हमारा है अपना इन नाउ एंड विजिट वेदमी वेबसाइट एंड डाउनलोड द ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर यूज करिए कोड विद ट्वेंटी फॉर गेटिंग द ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट विद मी एजुकेटिंग विद मी एजुकेटिंग इंडिया